नागर यार, तू बड़े कराटे सीखता है, छुड़वा के अब दिखा कराटे मैन बनता है, अब कुछ करके दिखा। अस्सलाम वालेकुम, जांजेब अली, पासवान मार्शल आर्ट एकेडमी, मुल्तान, पाकिस्तान। तो इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि जब बच्चे कोई फिटनेस की क्लासेस लेने जाएं या मार्शल आर्ट सीखते हों, तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या जो भी उनके हमसाए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी तुम कराटे सीखने जाते हो, मार्शल आर्ट सीख रहे हो, तो यूं करके दिखाओ, ये छुड़वा के दिखाओ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी पर है कि अगर कोई आपको आपकी आर्म को बैक साइड पर लॉक कर दे, बैक आर्म लॉक कर दे, तो आप किस तरह छुड़वा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइटर्स हों, मार्शल आर्टिस्ट हों, तभी आप छुड़वा सकते हैं, कोई सिविलियन भी इसको छुड़वा सकता है और बहुत आसान है। और दूसरी बात यह है कि मार्शल आर्टिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके रूल्स बहुत सख्त होते हैं, चाहे मुझे ही आप ले लें, तो मेरे जितने स्टूडेंट हैं इनको स्ट्रिक्टनेस से हम इनसे ओथ लेते हैं, हल्फ लेते हैं कि आप बाहर किसी के साथ भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, आप किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, जब तक कि आपको अपनी जान पर बनाए तब आप अपने डिफेंस में अपनी हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लड़ेंगे, या किसी भी पाकिस्तानी बहन भाई की मदद करनी पड़े तब आप सबसे पहले आप जाएं। जी तो नाज़रीन, अब आप देखेंगे किस तरह से आप खुद को छुड़वा सकते हैं। आपने शेकन किया, उन्होंने उसको टर्न करके ये देखें प्रॉपर नीचे कर दिया और ताकत से आपको नीचे की तरफ बेंड कर दिया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना लेफ्ट आर्म उठाएंगे और ये देखें उसकी नेक को ग्रिप करेंगे यहाँ से, ये देखें, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये देखें आपने उसकी नेक को ग्रिप किया हुआ है और अब आप सीधे खड़े होंगे और दबाते जाएंगे। ये देखें आपका जो थंब है, आपका ये वाला प्रेशर उसकी शहरक पे होगा, आप उसको सिर्फ टाइट करके ऊपर उठाएंगे तो उसकी शहरक पे और गर्दन के इस पॉइंट पे दर्द होगा, ये पीछे से लेकर ये सारे तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा सेल्फ डिफेंस मूव। और एंड में जाहिर सी बात है आप उसको झटका देके गिरा भी सकते हैं, अगर कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है, अगर वो आपको सिर्फ वैसे चेक करना चाहता है कि आप कितने कराटे सीखे हुए हैं, तो आप पहले उसे कहेंगे कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के मूव्स हैं। इस दौरान अगर उसको कोई इंजरी आ गई तो वो उसके लिए, वो तो मजाक में कर रहा होगा ये, लेकिन उसको इसका अंजाम बहुत ज़्यादा गलत भुगतना पड़ेगा। तो प्लीज़ ऐसे दोस्तों को भी ये मैसेज है कि ऐसा ना किया करें, बल्कि उसको अप्रिशिएट किया करें कि यार वो एक हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करता है, वो एक बेहतरीन प्लेयर बन सकता है, लेकिन आपके मजाक की वजह से हो सकता है उसका मोरल डाउन हो जाए और वो ना सीखना चाहे कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो अगर आप सीख नहीं सकते तो दूसरे को रोका भी ना करें और कोशिश क्या करें, बेहतरीन पाकिस्तानी बने, अपना ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।